इंद्रजीत हिंदू ग्रंथों के अनुसार लंका के राजकुमार थे और इंद्रलोक के स्वामी थे। उन्हें हिंदू ग्रंथों में सबसे महान योद्धाओं में से एक माना जाता है। उनका उल्लेख भारतीय महाकाव्य रामायण में किया गया था। इनका नाम उन योद्धाओं में लिया जाता है जो कि ब्रह्मांड अस्त्र, वैष्णव अस्त्र तथा पाशुपात अस्त्र के धारक कहे जाते हैं। इसने अपने गुरुवार शुक्राचार्य के सानिध्य में रहकर तथा त्रिदेवों द्वारा कई अस्त्र शस्त्र एकत्र किए। स्वर्ग में देवताओं को हराकर उनके अस्त्र शस्त्र पर भी अधिकार कर लिया। मेघनाद रावण और मंदोदरी का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था। उनके जन्म के बाद उनका नाम मेघनाद पड़ा क्योंकि उनका जन्म रोना बिजली की गड़गड़ाहट की तरह लग रहा था। जब मेघनाद का जन्म होने वाला था, रावण ने अपने पुत्र को सर्वोच्च होने की कामना की ताकि दुनिया में कोई भी उसे हरा न सके। रावण चाहता था कि उसका पुत्र परम योद्धा और अत्यंत ज्ञानी हो। रावण एक महान ज्योतिषी थे। अपने पुत्र को अमर बनाने के लिए उसने सभी ग्रहों और नक्षत्रों को ऐसी स्थिति में आने की आज्ञा दी जिससे उसका पुत्र उसके इच्छानुसार पैदा हो सके। रावण के क्रोध और शक्ति के कारण सभी ग्रह और नक्षत्र उससे डरते थे। अपने पुत्र मेघनाद के जन्म के समय सभी ग्रह रावण के इच्छानुसार स्थिति में थे। सभी ग्रह इस तरह संरेखित हुए कि वे मेघनाद की कुंडली के 11वें घर में आ गए। हालांकि शनि ने रावण के आदेशों की अवज्ञा की थी और मेघनाद की कुंडली के 12वें घर में बस गए थे। इस पर रावण क्रोधित हो गया और उसने शनि को दोष दिया। शनि की स्थिति के कारण भगवान राम और रावण के बीच युद्ध में मेघनाद को लक्ष्मण के हाथों मरना पड़ा था। देवासुर संग्राम के समय जब रावण ने सभी देवताओं को इंद्र समेत बंदी बना लिया था और कारागार में डाल दिया था, उसके कुछ समय बाद एक समय सभी देवताओं ने मिलकर कारागार से भागने का निश्चय किया और साथ ही साथ रावण को भी सुप्त अवस्था में अपने साथ बंदी बनाकर ले गए। परंतु मेघनाद ने पीछे से अदृश्य रूप में अपने दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर देवताओं पर आक्रमण किया। देव सेनापति भगवान कार्तिकेय ठीक उसी समय देवताओं की रक्षा के लिए आ गए परंतु मेघनाद को नहीं रोक पाए। मेघनाद ने न केवल देवताओं को पराजित किया, वो अपने पिता के बंधन खोलकर और इंद्र को अपना बंदी बनाकर वापस लंका ले आया। जब रावण जागा और उसे सारी कथा का ज्ञान हुआ तब रावण और मेघनाद ने ये निश्चय किया कि इंद्र का अंत कर दिया जाए। परंतु ठीक उसी समय भगवान ब्रह्मा जी लंका में प्रकट हुए और उन्होंने मेघनाद को आदेश दिया कि वे इंद्र को मुक्त कर दे। मेघनाद ने ये कहा कि वे ये कार्य केवल तभी करेगा जब ब्रह्मदेव उसे अमृतत्व का वरदान दे। परंतु ब्रह्मदेव ने यह कहा ये वरदान प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, परंतु वे उसे ये वरदान देते हैं कि जब आपातकाल में कुलदेवी निकुम्भला का तांत्रिक यज्ञ करेगा तो उसे एक दिव्य रथ प्राप्त होगा और जब तक वे उस रथ पर रहेगा तब तक कोई भी ना से परास्त कर पाएगा और ना ही उसका वध कर पाएगा। परंतु उसे एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो उस यज्ञ का बीच में ही विध्वंस कर देगा वही उसकी मृत्यु का कारण भी होगा। और साथ ही साथ ब्रह्मदेव ने ये वरदान भी दिया कि आज से मेघनाद को इंद्रजीत कहा जाएगा जिससे इंद्र की ख्याति सदा सदा के लिए कलंकित हो जाएगी। मेघनाद पितृभक्त पुत्र था। उसे ये पता चलने पर कि लक्ष्मण जी एक साधारण नर नहीं स्वयं भगवान का अवतार है और वह तुरंत ही अपने पिता के पास पहुंचा और उसने सारी कथा का व्याख्यान दिया। परंतु रावण तब भी नहीं माना और उसने फिर से इंद्रजीत को युद्ध भूमि में भेज दिया। फिर भी उसने पिता का साथ नहीं छोड़ा। मेघनाद की भी पितृभक्ति प्रभु राम के समान अतुलनीय है। जब उसकी माँ मंदोदरी ने उसे ये कहा कि मनुष्य मुक्ति की ओर अकेले जाता है तब उसने कहा पिता को ठुकरा कर अगर मुझे स्वर्ग भी मिले तो मैं ठुकरा दूंगा माँ।